हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीगंस, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स का सम। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्रीज, क्योंकि उसमें तीन साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल में फोर इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इसके सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। बट किसी भी हेक्सागन, हेप्टागन या ऑक्टागन, इसमें आठ साइड हैं, इसके एंगल्स का सम कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलीगंस और उसके इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके एंगल्स को मेंटली क्विकली फाइंड करने की ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स होते हैं, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, यानी एन नंबर्स ऑफ साइड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारे के सारे पॉलीगन हैं। यानी अगर किसी फिगर में तीन साइड हैं तो उसका नाम ट्रायंगल है, बट स्टिल इट्स अ पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल और पांच साइड वाला पेंटागन, छह साइड वाला हेक्सागन, और इस तरह से ये सारे पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला रेगुलर पॉलीगन, दूसरा इररेगुलर पॉलीगन। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल देख सकते हैं, इसमें तीन साइड हैं। अगर इसके साइड्स आपस में इक्वल हों, साथ में इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं सारे एंगल्स आपस में इक्वल हों, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन होते हैं जिसके एंगल्स और साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉलीगन्स रेगुलर ही हों, कुछ पॉलीगन इररेगुलर भी हो सकते हैं। तो यानी एक नॉर्मल पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसके एंगल्स आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, साइड्स कुछ भी हो सकते हैं, तो वो एक इररेगुलर पॉलीगन है। हम कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। और इसी तरह से किसी भी पॉलीगन को दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जैसे कि हम इस पॉलीगन में देख सकते हैं कि जो इसके जितने भी डायगनल्स हैं, इस पॉलीगन के सारे डायगनल्स पॉलीगन के अंदर ही हैं, तो इसलिए ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। जबकि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है और ये एक कॉनकेव पॉलीगन है। इस पॉलीगन में हम देख सकते हैं कि जो सारे डायगनल्स हैं वो अंदर ही हैं फिगर्स के, जबकि इसमें हम देख सकते हैं कि एक डायगनल जो है वो पॉलीगन के बाहर बन रहा है। तो ये एक कॉनकेव और ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या है, ये हम कैसे पता लगाते हैं? इसका एक फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम तो सभी को पता है कि 180 डिग्रीज होता है। तो मान लीजिए कि इसमें तीन एंगल्स हैं, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और इसमें इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आपको एन चाहिए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। जैसे कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? थ्री साइड्स होते हैं, तो इसमें एन इज इक्वल टू थ्री है। क्वाड्रिलेटरल में एन क्या है? फोर, क्योंकि इसमें फोर साइड्स हैं। पेंटागन में कितने साइड्स हैं? फाइव साइड्स हैं। इसी तरह से आपको एन चाहिए कि नंबर ऑफ साइड्स। तो उसका फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 180 मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस टू। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ। लेकिन आप सोचोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है? अगर इस फॉर्मूले का कंसेप्ट हम समझ लें तो ये इस फॉर्मूले को फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी पॉलीगन के एक वर्टेक्स से आप कितने ट्रायंगल खींच सकते हो, वो अगर मैं पूछूं कि इसके एक वर्टेक्स से कितने ट्रायंगल हैं, इसमें एक वर्टेक्स से ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स से तो एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें ट्रायंगल्स का नंबर वन है। इसी तरह से तो इसमें से कितने ट्रायंगल खींचे जा सकते हैं? अगर हम इसमें से 20 से डिवाइड कर दें तो इसमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, यानी कि
यानी कि क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम पेंटागन, इसमें पांच साइड है, इसको नाम पेंटागन है, इसके एक वर्टेक्स से हम अगर ट्राइंगल बनाना चाहें तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1, 2, 3, तीन ट्राइंगल बनेंगे। यानी इसमें तीन ट्राइंगल है, यानी किसी पॉलीगन से मैं एक वर्टेक्स के थ्रू आप कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं? क्या इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? यस, इसके लिए फॉर्मूला है n-2। किसी भी पॉलीगन के एक वर्टेक्स से आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला है n-2। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी कि ट्राइंगल के सम से ही हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं और जनरलाइज कर सकते हैं। तो n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180, क्योंकि किसी भी पॉलीगन से कितने ट्राइंगल बना सकते हैं इस ये किससे डिसाइड होता है? n-2 से। अब n-2 ट्राइंगल उसमें है और एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। तो इस तरह से किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम का फॉर्मूला है n-2 टाइम्स 180, 180 टाइम्स n-2। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं और इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हेप्टागन में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। हेप्टागन यानी कि कितने साइड, जरूरी नहीं कि वो लोग नाम से ही दें, वो ऐसे भी कह सकते हैं कि अ पॉलीगन हैज 7 साइड्स, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, एन कितना हो जाएगा? 7। तो हेप्टागन के सभी एंगल का साइड, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल की अभी, 7-2 यानी कि 5 टाइम्स 180 कितना आएगा? ये आएगा 900। इसका मतलब हेप्टागन जिसमें कि 7 साइड होते हैं उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है 900। अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए पेंटागन में कितना होता है, पेंटागन मतलब n इज इक्वल टू 5, उसमें हो जाएगा 180 टाइम्स 5-2 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 यानी कि 540 डिग्रीज। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? लेकिन सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि एक पॉलीगन है जिसमें 10 साइड्स हैं या 18 साइड्स हैं या 12 साइड्स हैं या 20 साइड्स हैं, आपको बताना है कि उसमें एक एंगल कितना होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि एक एंगल यानी सारे एंगल अगर बराबर हो तो आप निकाल पाओगे। यानी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक रेगुलर पॉलीगन जिसमें 10 साइड्स हैं उसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, या 20 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन में कितने मेशर का एक एंगल होता है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला है 180 टाइम्स n इंटू n माइनस 2 अपॉन n, यानी जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला डिवाइडेड बाई n, 180 इंटू n माइनस 2 बाई n, 180 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वन एंगल का मेजर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक डेकागन है रेगुलर जिसमें 10 साइड्स हैं, तो उसके एक एंगल का मेजरमेंट क्या है, क्योंकि सारे एंगल्स तो अपन को याद नहीं होते हैं, और इन केस उन लोग बहुत बड़ा पॉलीगन बोल दें कि 20 साइड्स हैं तो कोई कैसे याद करेगा? क्या उसके लिए कोई ट्रिक है? जी हाँ, ये फॉर्मूला ही ट्रिक है। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए n इज इक्वल टू 18 है, एक पॉलीगन में 18 साइड्स हैं, बताइए कि उसके एक एंगल का मेजर कितना होगा। तो यानी हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी 180 टाइम्स कितने साइड्स हैं उसमें, 18 माइनस 2 अपॉन n इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 इंटू 16, 18 माइनस 2 16 यानी कि आ गया 160 डिग्रीज,
यानी एक एंगल का मेजर होगा 160 डिग्री। हेक्सागन का एक एंगल कितने डिग्री का होता है या मेजर कितना होता है? हेक्सागन यानी कि जिसमें 6 साइड्स होते हैं उसका एक एंगल का मेजर कितना है, तो n इज इक्वल टू 6 रख देंगे आप इस फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा 180 टाइम्स, आ जाओ 6 माइनस 2 अपॉन 6, यानी कि आ जाएगा 330 इंटू 4 यानी कि 120 डिग्री। यानी कि हेक्सागन जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें एक एंगल होता है 120 डिग्रीज का, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम एक एंगल का मेजर भी निकाल सकते हैं और सारी इंटीरियर एंगल का सम भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई इंटीरियर एंगल की, व्हाट अबाउट एक्सटीरियर एंगल, यानी किसी भी पॉलीगन के बाहरी पूरे एंगल्स का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बाहर बनने वाले एंगल। तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, नो मैटर कि उसमें कितने साइड्स हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्रीज ही होता है। जी हाँ, 360 डिग्री सारे पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम होता है। चलिए अब जो जो मैंने बताया है उसे एक टेबल में समझते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल से कुछ और चीज़ें देखते हैं। सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल का सम हमने देखा है कि किसी भी पॉलीगन में चाहे वो रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है n माइनस 2 टाइम्स 180, और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है हमेशा 360 होता है, नो मैटर उसमें कितने साइड्स हैं। और एक एंगल जो कि रेगुलर पॉलीगन में ही अपन निकालते हैं, एक एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, n माइनस 2 इंटू 1 डिग्री बाई एन, लेकिन ये एंगल कौन सा होगा, इंटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 360 डिवाइडेड बाई एन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक रेगुलर हेक्सागन है यहाँ पे हमारे पास जिसमें 6 साइड्स हैं और आपसे बोला जा रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर बताइए, एक एक्सटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है, 6 है, यह हेक्सागन है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 360 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 60 डिग्री। यानी कि किसी भी हेक्सागन के एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री और इंटीरियर कितना होता है 120। वैसे आप उससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि इंटीरियर एंगल तो हम जानते हैं कि 120 होता है, अभी हमने पता लगाया था। रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल होता है 120, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 60 डिग्री होता है। हम चाहे फॉर्मूले से भी निकालें चाहे अपन एंगल लीनियर पेयर से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉलीगन्स रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पे बेस क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स दीदी।